बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चैप्टर नंबर 1 और जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स। और इस लेक्चर से हम एक्सरसाइज 1.2 का आगाज़ करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 यानी कि दूसरी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है वेरीफाई, हमने वेरीफाई करना है दी एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, हमने यानी इस चैप्टर में आपने शुरू में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी। ठीक है, वो हमने रियल नंबर्स के लिए पढ़ी थी, रियल नंबर्स के लिए, अगर आपको याद हो तो। मैं चलें उनका नाम यहाँ पर पहले लिखता हूँ कि नंबर 1 थी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद थी एसोसिएटिव, ठीक है, और नंबर थर्ड पे थी एडिटिव आइडेंटिटी, भी हमने इसमें वेरीफाई करनी है, एडिटिव आइडेंटिटी। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि एडिटिव इन्वर्स भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स। उसके अलावा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये यानी कि इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं इनमें से ये पांच ही आपको यहाँ पर वेरीफाई कराऊंगा, बाकी आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर के लिए हमने पढ़ी हुई हैं, तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए इनको वेरीफाई करेंगे। लेकिन इनमें सिर्फ दो तरह की होती है ना, एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती है, मल्टीप्लीकेशन होती है। लेकिन इसमें हमें मैंशन किया गया है इस क्वेश्चन में कि आपने एडिशन प्रॉपर्टीज़ आपने सिर्फ जो है वो वेरीफाई करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहली प्रॉपर्टी यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है? रियल नंबर्स में भी हमने पढ़ी है, रियल नंबर्स में हमने देखा था कि कोई भी आप जो है रियल नंबर्स ले लें दो। ठीक है, सपोज हम कहते हैं ए एक जो है वो रियल नंबर है। ठीक है, ए बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर। और इसी तरह से बी भी जो है, या बी भी जो बिलोंग करता है रियल नंबर्स में से। ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों रियल नंबर्स हैं। तो ये भी मैं बात कर रहा हूँ रियल नंबर्स की। ठीक है, तो रियल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ आपको, एडिशन मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम ए प्लस बी फाइंड करें यानी कि इन दोनों रियल नंबर्स की एडिशन करें, तो इसका रिजल्ट जो आएगा, ठीक है, जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो भी बिलोंग करना चाहिए उसी रियल नंबर्स में से। ठीक है, उसी नंबर सिस्टम में से, मतलब कि अगर सेपरेटली अलग अलग देखा जाए तो ए जो है वो भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से, बी जो है वो भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। तो इन दोनों की एडिशन कर दी जाए, इन दोनों का सम फाइंड कर लिया जाए, तो उसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो भी बिलोंग करना चाहिए उसी नंबर सिस्टम से जिससे वो सेपरेटली अलग अलग बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, ये तो बात थी चलें उसकी यानी कि रियल नंबर्स, रियल प्रॉपर्टीज, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज। हमने देखना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें क्या गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की यानी कि हमने देखना है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, चले हम यहां से देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स पहले हम लिखते हैं कौन कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से होते हैं। ठीक है, ए बी, मैं कहता हूँ ए बी, ठीक है, इस तरह से ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें से रियल पार्ट ए है और बी जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। उसके अलावा आप जो है सी डी, ठीक है, सी कॉमा डी, ये एक रियल नंबर यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें से रियल पार्ट सी है और डी जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि ये दोनों बिलोंग करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। ठीक है, तो मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए बी और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है इन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म सी डी। ठीक है, तो ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। अब अगर हम इनकी एडिशन फाइंड करते हैं, मतलब कि ए कॉमा बी, ठीक है, प्लस सी कॉमा डी,
ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का की एडिशन, ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगी, हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं किस तरह से हम फाइंड करते हैं, रियल पार्ट, रियल पार्ट में ऐड होगा ए प्लस सी, और इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा यानी कि बी प्लस डी। इस तरह से हमारे पास ये रिजल्ट आता है, एडिशन ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अब ये जो रिजल्ट हमारे पास आया है ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करना चाहिए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ए और सी जो है ये दोनों यानी कि रियल नंबर्स हैं, ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे एक रियल नंबर ही आएगा, तो रियल पार्ट बन जाएगा ये, उसके बाद कॉमा है, ठीक है, और बी प्लस डी एक यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि ये भी एक यानी कि बी और डी दोनों रियल नंबर्स हैं, लेकिन ये इसको हमने ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर मैं दूसरी तरह इनको लिखूँ ए प्लस सी, ठीक है, और प्लस बी प्लस डी, इसके साथ आयोटा आ जाएगा जिससे आपको वाजे हो जाएगा कि ये इमेजिनरी पार्ट ये हो गया और रियल पार्ट ये हो गया और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी जो है, बी प्लस डी, ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो यही क्लोजर प्रॉपर्टी है, इसी को हमने वेरीफाई करना था, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई कर ली। इसी तरह से हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे आते हैं, सेकेंड नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने देखना है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेंगे। चले हम ऐसा करते हैं कि मैं यहां पर लिखता हूं ए बी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है, सी डी दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, उसके अलावा ई एफ जो है वो थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, तीन मैंने नंबर्स ले लिए, ठीक है। मैं कह देता हूँ ये तीनों नंबर जो हैं बिलोंग करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो बिलोंग टू सी हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से देखें तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि इन तीनों का सम अगर हम करें यानी कि ए कॉमा बी, ठीक है, प्लस सी कॉमा डी, ठीक है, प्लस ई कॉमा एफ। अब इन तीनों में से हम एकदम सारे को तो नहीं ऐड कर सकते ना, हम यूं कहेंगे कि पहले दो टर्म्स को, या हम कहते हैं आखिरी दो टर्म्स को पहले आपने ऐड करना है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट लगा देते हैं, या फिर आप ऐसा करें, चलो मैं राइट साइड भी इसकी लिखता हूँ, ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी, ठीक है, प्लस ई कॉमा एफ, ये हमारे पास तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम हो गया। या तो आप आखिरी दो नंबर्स का सम ले लें पहले, ठीक है, उसके बाद आप पहले यानी कि पहले नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड कर लें, तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वही इसका भी रिजल्ट आएगा कि आप अगर पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर लें, ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर के साथ उसकी एडिशन कर लें, जो भी रिजल्ट आएगा, तो वो भी दोनों का रिजल्ट आपस में इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को अलग-अलग सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या ये वाकई जो है सेम रिजल्ट देते हैं या नहीं देते हैं, ठीक है। तो चलें इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ ए कॉमा बी, जिसमें हमने आखिरी दो टर्म्स जो हैं सी कॉमा डी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, और ई कॉमा एफ, इन दोनों को पहले ऐड करना है क्योंकि हमने ये ब्रैकेट लगाई हुई है, ठीक है, इन दोनों के इर्द गिर्द। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इनका एडिशन पहले फाइंड कर लेते हैं, सी प्लस ई कॉमा डी प्लस एफ, ये हमारे पास इनकी एडिशन बन जाएगी, ठीक है, इनकी एडिशन का रिजल्ट आ जाएगा आखिरी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, ठीक है, सम का। उसके बाद इनके साथ जो भी रिजल्ट आया हमारे पास, इसको हमने ऐड करना है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस सी प्लस ई, यानी कि ए जो है इसका रियल पार्ट है और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का यानी कि जो रिजल्ट हमारे पास आया हुआ है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का सी प्लस ई जो है वो रियल पार्ट है, तो ये तीनों आपस में ऐड हो गए। उसके बाद कॉमा और इमेजिनरी पार्ट सब आपस में हम ऐड करेंगे, और फर्स्ट में आप देख सकते हैं बी है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में डी प्लस एफ है, तो इन तीनों को हम कह दे इस तरह से ऐड करके लिख देते हैं। तो ये यानी कि हमारे पास रिजल्ट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, ठीक है, जो कि इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन के बाद है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया। इसी तरह से अब हम राइट साइड पर आते हैं, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है जी, चले मैं कलर भी साथ में चेंज करता हूँ, राइट हैंड साइड है ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी, ठीक है, इन दोनों नंबर्स को हमने पहले ऐड करना है, उसके बाद जो भी उसका रिजल्ट आएगा हमने उसको ऐड करना है ई कॉमा एफ यानी कि थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। तो चलें हम ऐसा ही करते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं। पहले दो को ऐड करेंगे तो इनके रियल पार्ट्स आपस में ऐड हो जाएंगे ए प्लस बी, उसके बाद बी प्लस डी जो है
यानी कि इनके इमेजिनरी पार्ट्स आपस में ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास ये रिजल्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसी तरह से आ जाएगा ई कॉम एफ, ठीक है। तो अब हमने इन तीनों को ऐड करना है आपस में, यानी कि इन दोनों को, ठीक है। ये तो रिजल्ट है ना, ये हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो ये क्या आ जाएगा, इसका रियल पार्ट ए प्लस सी, जो कि इसके रियल पार्ट यानी कि ई से ऐड हो जाएगा, ई में ऐड हो जाएगा। उसके बाद इसका जो है रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट जो है बी प्लस डी है, और इसके इमेजिनरी पार्ट यानी कि एफ में ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास ये राइट हैंड साइड का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हम मैच करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के रिजल्ट्स को, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है, ठीक है, और ये राइट हैंड साइड का रिजल्ट है, ठीक है। इनको मैं वन और टू कह देता हूँ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों रिजल्ट्स बिल्कुल सेम है। तो जब रिजल्ट सेम है उसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन सेम है जहाँ से ये रिजल्ट आए हैं, तो यानी कि यही हमने वेरीफाई करना था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का ये यानी कि इक्वेशन है, तो ये हमने यहाँ पर वेरीफाई कर लिए। अब हम ऐसा करते हैं कि थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी जो है एडिटिव आइडेंटिटी थी, आई थिंक मैं यहाँ ऊपर देख लेते हैं जो हमने लिखी हुई है, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है जी के एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी किस रियल नंबर्स में तो हमने पढ़ी थी, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर की भी मैंने आपको बताई थी कि एडिटिव आइडेंटिटी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वो होती है 0, 0, यानी कि जिसमें रियल पार्ट भी जीरो होगा और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो होगा। तो इसको वेरीफाई हम कैसे कर सकते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन से, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि किसी भी नंबर में, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर मैं बात करूं, कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी की अगर मैं बात करूं, तो मैं ये कहूंगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको ऐड आप कर लें, वही कॉम्प्लेक्स नंबर आपको रिजल्ट में मिलेगा, ठीक है। तो चलें इसको वेरीफाई कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कोई एक नंबर ए कॉमा बी, ठीक है, ये हमने ले लिया एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी में ऐड कर देते हैं, ठीक है, 0, 0 ये हमने ऐड कर दिया। अब इस में चलें एडिशन हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ए जो रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा ए प्लस जीरो, और इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो जाएगा बी प्लस जीरो। अब हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है, ए प्लस जीरो ए और बी प्लस जीरो जो है वो बी हमें रिजल्ट देगा। अब आप यहाँ से रिजल्ट देख सकते हैं कि हमने जो सपोज किया था एक यानी कि लिया था शुरू में एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन के बाद भी वही कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आया, यानी कि रिजल्ट में हमें क्या मिला, वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि 0, 0 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमने देख लिया। उसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी बचती है वो है एडिटिव इनवर्स की, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स देख लेते हैं, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इन्वर्स में क्या है कि रियल नंबर्स की भी हमने देख चुके हैं, ठीक है, और इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने देखा था एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए कॉमा बी, ठीक है, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका एडिटिव इन्वर्स मैं लिखने जा रहा हूँ कि एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, दोनों के साइंस आप चेंज कर दें, ठीक है, यानी कि ए जो है पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव कर देते हैं, बी भी यहाँ पर पॉजिटिव है यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन भी हम चेंज कर देंगे, यानी कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देते हैं, ये हमने माइनस भी लिख दिया। तो ये है इसका एडिटिव इन्वर्स। चलें ये हमने बता तो दिया कि ये इसका एडिटिव इन्वर्स है, लेकिन हमने अभी वेरीफाई नहीं किया। तो वेरीफाई या प्रूव हमने नहीं किया तो वो हम कैसे करेंगे, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स की क्या होती है, एडिटिव इन्वर्स वो इन्वर्स होता है कि अगर आप जिसका यानी कि जिसका एडिटिव इन्वर्स हो उसी में आप ऐड करके देख लें तो आपको रिजल्ट में एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगी, ठीक है। मतलब कि इस केस में क्या होगा कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी है, ठीक है, ए बी, चले मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी है, ठीक है, इसको मैं ऐड करूँगा इसके ही एडिटिव इन्वर्स में, यानी कि माइनस ए माइनस बी इसमें ऐड करूँगा, तो हमें यहाँ पर रिजल्ट में एडिटिव आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, यानी कि 0, 0 मिलना चाहिए,
ठीक है, ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन अब हम देखते हैं कि वाकई में इसका रिजल्ट ये आता है या नहीं आता। चलिए ऐड करके देखते हैं, ए माइनस ए, ठीक है, और बी इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट में हो जाएगा बी माइनस बी। अब ए माइनस ए क्या होता है, जीरो होता है, बी माइनस बी क्या होता है, जीरो होता है। तो ये हमारे पास रिजल्ट में ये आया, यानी कि ये एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास आ चुकी है रिजल्ट में, जो हमें चाहिए थी वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये हमने प्रूव कर लिया अपना एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी भी। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे आते हैं, जो कि लास्ट वन मैं यहाँ पर आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और किसके रिस्पेक्ट से हमने देख रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम देख रहे हैं। अच्छा, रियल नंबर्स में तो आपने देखी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है जी, अगर आपको याद हो तो, यानी कि एडिशन के रिस्पेक्ट से अगर मैं बात करूं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कि आप अगर दो नंबर्स, रियल नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, उसके यानी कि उनका ऑर्डर चेंज करके ऐड करें तो भी आपके पास सेम आना चाहिए। सपोज मैं कहता हूं कि एक ए जो है वो रियल नंबर है, बी भी एक रियल नंबर है, इन दोनों को ऐड करें, ये इस तरह से ए प्लस बी ये ऑर्डर रखें, या फिर आप बी प्लस ए करें, तो दोनों का रिजल्ट आपस में इक्वल आना चाहिए। तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से अब प्रूव करता हूँ, ठीक है। पहले तो मैं प्रॉपर्टी को लिखूंगा कि प्रॉपर्टी हम चाह क्या रहे हैं, वो है कि एक, अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ ए कॉमा बी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको मैं ऐड करूँ किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में, सपोज मैं सी कॉमा डी ले लेता हूँ दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इन दोनों की एडिशन, अगर मैं ये मैं ऑर्डर रखूँ, या फिर पहले मैं दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर रख लेता हूँ सी कॉमा डी, और इसको ऐड कर लेता हूँ ए कॉमा बी, यानी कि दूसरे पहले यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो ऑर्डर मैंने सिंपल चेंज किया है एडिशन का, ठीक है, इसमें फर्स्ट नंबर पे ये वाला नंबर है, दूसरे केस में फर्स्ट नंबर पे दूसरा आ रहा है, ठीक है। तो दोनों का यानी कि एडिशन का रिजल्ट हमारे पास इक्वल आना चाहिए, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो चलें इसको प्रूव करके देख लेते हैं कि क्या ये वाकई ऐसा ही है कि इनका रिजल्ट आपस में इक्वल आएगा। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले, लेफ्ट हैंड साइड ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी, इन दोनों का किस तरह से हम एडिशन परफॉर्म करेंगे। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स में आपस में ऐड होते हैं, ए प्लस सी बन जाएगा, और इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर में ऐड होंगे, यानी कि इमेजिनरी पार्ट जो है बी है इस केस में, इस नंबर में, और इस नंबर में जो है डी है, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट आता है एडिशन का। अब हम ऐसा करते हैं कि हम राइट साइड पे चलते हैं, राइट साइड क्या है, राइट हैंड साइड सी कॉमा डी है, सी कॉमा डी, और इसको हमने ऐड करना है ए कॉमा बी में। तो चलें हम देख लेते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। तो दोनों ऐड होंगे रियल नंबर्स, यानी कि सी प्लस ए और डी प्लस बी, डी प्लस बी। तो रियल नंबर्स तो हम देख चुके थे कि ए प्लस सी करें या सी प्लस ए करें इक्वल होते हैं, तो ये दोनों रियल नंबर्स हैं, ठीक है, सी और ए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस सी, क्योंकि हमने रियल नंबर की तो पढ़ चुके हैं ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो उसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। उसके अलावा इसी तरह से डी और बी, ये भी दोनों रियल नंबर्स हैं, इसका ऑर्डर भी चेंज करें तो इसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बी प्लस डी भी हम इसको लिख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का रिजल्ट इक्वल है, यानी कि ये इक्वेशन वन आप इसे कह लें, इसको टू कह लें, तो दोनों का रिजल्ट यानी कि बिल्कुल इक्वल है, सेम है। तो यहाँ से हम ये वेरीफाई कर चुके हैं या प्रूव कर चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी वेरीफाई करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को, ठीक है। तो इसी तरह से आप ऑपरेशंस बाकी भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर टू पर आऊँगा, क्वेश्चन नंबर टू जो है 1.2 एक्सरसाइज का, उसमें क्या है कि आपने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन जो है प्रॉपर्टीज करनी है, ठीक है। तो एडिशन की मैंने कर दी है, बिल्कुल सेम इसी तरह से आप मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है। थर्ड जो आपके पास क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में भी आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यानी कि करना है, वेरीफाई करना है। सपोज मैं लिख देता हूँ कि ए कॉमा बी है, ठीक है, और इसके साथ सी कॉमा डी प्लस ई कॉमा एफ,
ठीक है, ये तो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, और राइट हैंड साइड है ए कॉमा बी इंटू सी कॉमा डी प्लस ए कॉमा बी इंटू ई कॉमा एफ। ठीक है, तो ये हमारे पास यानी कि लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको हमने वेरीफाई करना है या प्रूव करना है कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से। तो ये कैसे हम करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड आप लेंगे, ठीक है, पहले आप ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे यानी कि इनको एडिशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से आप राइट हैंड साइड परफॉर्म करेंगे, वो किस तरह से होगा कि इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन भी करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन भी करेंगे, ठीक है, उसके बाद जो भी दोनों का रिजल्ट आएगा उनको आपने आपस में ऐड कर देना है। तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है, दोनों का रिजल्ट अगर इक्वल आ जाता है दोनों साइड्स का, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का, तो आप कहेंगे कि ये हमने वेरीफाई कर दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पर इस लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसका थर्ड में आपको मैंने समझाया है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह उसको सॉल्व भी करवा दूंगा आपको, ठीक है, अगर कोई मसला होता है तो। उम्मीद है कि पहले तो मसला होगा ही नहीं आपको, ठीक है, तो अगर होता भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे।